तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम कार्स कम ट्रू में। सो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट, और ये स्विफ्ट नॉर्मल नहीं है, जो कि मतलब आपके सामने देखने को मिल रहा है आपका स्विफ्ट का VXI की जगह ZXI प्लस वेरिएंट है, जो टॉप वेरिएंट आता है। इसके ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता है, डुअल टोन में ही आएगी, ये डुअल टोन नहीं है, मैनुअली है ये। आज का फुल डिटेल रिव्यू देंगे क्या कुछ प्राइस है, और जो इसका प्राइस रखा गया प्राइस आपको बता दूं कि प्राइस आपको 8,21,000 के एक शोरूम पड़ जाती है और 9,28,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। कानपुर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अगर बात करें कम्प्लीटली इसके फीचर्स वगैरह की, जो 8,21,000 में टॉप वेरिएंट ZXI प्लस में मारुति सुजुकी अपनी स्विफ्ट में प्रोवाइड कर रही है, उसकी हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में कम्प्लीटली कि क्या कुछ देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत ही सुंदर, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर भाई चाहे बात हो मॉडिफिकेशन की या बात हो किसी भी प्रकार की, जो चीज़ें हैं इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, फीचर्स वगैरह लुक्स जो है वो बहुत तगड़ा इसमें देखने को मिलता है, उन्हीं सब के बारे में लोग बात करेंगे। बिना देरी शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। सबसे पहले बात करें फ्रंट लुक की, तो फ्रंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर VXI भी खड़ी हुई है, तो VXI से कितना अलग है। और अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साथ ही साथ आपको क्रोम का यूज़ तो देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, हेडलैम्प्स जो कि फुल LED में दिए गए, और यहाँ पर आपको LED DRL देखने को मिल जाती हैं कुछ प्रकार की, टेंट गेटर यहाँ देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो आपको अभी जला के भी दिखा देता हूँ उसकी DRL किस प्रकार चलती है। ये कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलती है कम्प्लीटली, जो आपकी DRL है। फ्रंट से बात करें क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है, नॉर्मल सिंगल लाइन आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली कुछ प्रकार से, और नीचे इसमें फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं। फॉग लैम्प की अगर बात करें कौन कौन से वेरिएंट से आपको प्रोवाइड होने लगते हैं, तो LXI VXI जो VXI आपका खड़ा है और LXI के नीचे जो आता है उस पर नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर जो आता है ZXI और ZXI प्लस उससे स्टार्ट हो जाते हैं, आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो बीच में आपको सिंगल लाइन क्रोम ग्रिल सुई के लोगों देखने को मिल जाता है कुछ प्रकार की, 1735 mm की इसकी विड्थ देखने को मिल जाती है फ्रंट से। भाई गाड़ी बहुत ही तगड़ी फ्रंट से देखने में लगती है, मॉडिफिकेशन अगर इस पर कराते ना तो और अच्छी लगती है। फिलहाल उतनी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई ZXI प्लस वेरिएंट है, अलॉय व्हील आपको उसके नीचे ZXI वेरिएंट आता है उसमें भी आता है, बट डायमंड कट नहीं आता है। और बात करें अगर भाई इसमें जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 185x65 R15 का दिया गया, R16 तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अपोलो का यहाँ पर देखने को मिलता है अलॉय व्हील है, जो कि डायमंड कट में आता है, सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है देखने को। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट से देखने में गाड़ी काफ़ी ही गजब सी लग रही है, और कलर जो आप देख रहे हैं अपनी देसी भाषा में कहें तो मेहंदी कलर जिसे कहते हैं, वो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है। काफ़ी गली कलर ऑप्शंस में आपको अवेलेबल देखने को मिलती है। जो हेडलैम्प्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं, बट वाइपर आपके यहाँ पर मैनुअली देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो फीचर है ना, अगर अपनी बात करूँ जो ओपिनियन है, ये सब मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब वर्थ नहीं लगते हैं। अगर इसके ऊपर कोई इंसान सिर्फ इनके लिए पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है तो बेकार भाई, 2 सेकंड का टाइम तो लगता नहीं इसको ऑन करने के लिए, बारिश हो रही तुरंत आपने बटन दबाया चालू हो गया कम्प्लीटली। और अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर लाइट जलानी है शाम हुई तो एक बार करना है बस, उसके लिए इतने जरा से लोगों के लिए बहुत लोग पैसे अपने दे देते हैं फालतू के। बात करें अगर साइड में चल के क्या कुछ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों में देखने को मिलता है। मारुति की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो एक साइड नहीं देती, वो दोनों साइड ही आपको प्रोवाइड करती है। साइड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, लेंथ की बात करें कम्प्लीट 38-45 mm की आपको यहाँ पर ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है पूरी गाड़ी की। और बात करें अगर हाइट वाइज कितनी आपको हाइट है, तो 15-30 mm की इसमें हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी पीछे चल के बात करते हैं, साइड की तो बात हो ही गई, क्या कुछ देखने को मिलता है पीछे। जो पूरा लुक है यहाँ पर आपको देखने को मिले LED टेल लाइट, सबसे पहले जो मुझे इस कैमरे में आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा ग्लो कर रही है यहाँ पर, कुछ प्रकार से LED देखने को मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाता है। रात को जब पूरा ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पर जो अंदर बल्ब है वो जलते हैं। स्विफ्ट की यहाँ बैजिंग है और सुजुकी का यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता है, ZXI कोई बैजिंग देखने को नहीं मिलती है, कौन सा वेरिएंट है। धीरे धीरे मतलब जितने फॉन्ट्स वगैरह हैं मारुति अपने गाड़ियों से हटाती जा रही, पहले काफ़ी देती थी कि नीचे ZXI वेरिएंट है या ZDI डीजल वाला आता था तो वो सब नीचे दिया करती, अब नहीं देती है। और पीछे बाकी सेंसर्स की बात किया तो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये मिल जाता है, एक ये, तो मतलब 4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं। वाइपर देखने को मिल जाता है, डिफॉगर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है पीछे साइड। स्पॉयलर अगर आप इसमें लगा लेते हैं आफ्टर मार्केट, फिलहाल कंपनी की तरफ से तो नहीं आता है, लगा लेते तो काफ़ी अच्छी खासी लुक हो जाती है। शाफिन एंटीना देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल मिलता है। वॉशर यहाँ पर है, हम ऑन स्टॉप लैम्प यहाँ देखने को मिल जाता है। तो पीछे की बात भाई कुछ प्रकार की पीछे से फुल हो गई, आप देख सकते हैं। और बाकी भाई बात करें अगर फ्यूल की यहाँ पर, तो यहाँ पर पेट्रोल देखने को मिल रहा है, बाकी CNG वाली भी खड़ी है यहाँ पर, CNG कुछ प्रकार से आएगी, उसका भी अभी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर कुछ प्रकार का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है, इसको ओपन करेंगे। और बाकी बात करते हैं बाहर, बाहर की जल्दी से मैंने निपटा दिया है, क्या कुछ देखने को मिलता है इसमें, एक बार आपको फुल व्यू उसका देखने को दिखाता हूँ किस प्रकार से देखने को मिलता है, ये पूरा इसका लुक देखने को मिलता है। अब अंदर चल के बात करते हैं क्या कुछ फीचर्स में आपको स्विफ्ट की ZXI प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर डोर को ओपन करें यहाँ पर, तो आपको भाई चारों पावर विंडो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपकी ऑटो डाउन विंडो, ऑटो अप नहीं देखने को मिलती है, ठीक है भैया शांत रहो।
और यहाँ पर आपको साटन सिल्वर फिनिश की यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो स्पेस ग्रे कलर से कह सकते हैं। ये पूरे आपके कंट्रोल है आपके ORVMs के, इलेक्ट्रिक फोर और इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर क्रोम फिनिश दिया गया लीवर पे, नीचे स्पीकर देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर और थोड़ी यहाँ पर स्पेस है। ये तो बात हो गई भाई, अंदर चल के बात करते हैं। तो अगर सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेदरेट सीट्स नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है, रिक्लाइन यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो भाई बात हो गई मोटी मोटी क्या कुछ देखने को मिलता है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ, जानते हैं जो आइडल स्टार्ट ऑफ भी कहते हैं इसको, वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बीम का लेवलर है। बाकी बात करें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है तो भाई की भी मिलेगी। की सभी लोग जानते हैं, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वही की आपकी लॉक अनलॉक साथ साथ उसको रखते हैं यहाँ पर कुछ प्रकार से। अब बात करते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, तो करते हैं सबसे पहले डोर बंद, बाहर की नॉइज से आपको दिलाते हैं छुटकारा। यहाँ बात करें तो हम दिखाना भूल गया था भाई, ये पूरा जो आपका है ना, ये कम्प्लीटली पूरा सॉफ्ट टच में है। सॉफ्ट टच क्या कह सकते हैं, मतलब फैब्रिक में लेदर टच यूज पूरी गाड़ी में कहीं नहीं किया गया है। बट ये अच्छी बात है कि जो आपको स्टेयरिंग व्हील है वो आपका लेदर स्टिच देखने को मिलता है, यहाँ पर लगी हुई स्टिचिंग। और बाकी बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो टॉप वेरिएंट और इसमें आपको अच्छी बात यह है कि सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे बात करें क्रूज कंट्रोल वगैरह की या फिर साइड में आपके यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल वगैरह है। सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, टिल्ट आपको देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता आपका स्टेयरिंग व्हील। और बाकी यहाँ पर स्पेस ग्रे कलर, वही जिसे कहते हैं साटन सिल्वर फिनिश, उसका यूज़ किया गया है कम्प्लीटली। बाकी मीटर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मीटर, जो 220 की स्पीड देख रहे हैं, 8000 तक RPM देख रहे हैं। बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपकी MID, जो आपको माइलेज वगैरह शो करेगी। आप चाहें तो ऑन करके भी आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रकार से देखने को मिलती है, देख सकते हैं। और मैंने कर दिया ABS, सब शो हो जाते हैं इसमें। बाकी बात करें यहाँ पर कुछ प्रकार देखने को मिलती है, उधर वाले डोर का दिखा रहा है कि वो खुला हुआ है साइड वाला। ओ भैया शांत रहो। और बाकी बात करें अंदर, तो भाई वही वाला जो यहाँ पर देखने को मिलता है, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे कि आपका वही नॉर्मल टच स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर मारुति अपनी सभी नीचे गाड़ियों में देती है और अभी तक इसमें भी चल रहा है। इसमें भैया कब अपडेट आएगा, जब इसका फेसलिफ्ट आएगा तब भाई मेरे हिसाब से जो उनका स्मार्ट प्ले प्रो है वो वगैरह इसमें आ सकते हैं। बाकी ऐसे इनके डिज़ाइन यहाँ पर कुछ प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, राउंड शेप में, जो काफ़ी प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर भी वही फिनिश देखने को मिल जाती है ग्रे वाली, काफ़ी अच्छी सी अंदर। और ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिल जाता है ZXi से ही, ZXi प्लस है इसमें तो मिलेगा ही। बाकी नीचे बात करें तो यहाँ थोड़े बहुत कंट्रोल है मोड वगैरह के, नीचे आपको 12V का पोर्ट और यहाँ ओपन करेंगे तो USB और ऑक्स का आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। थोड़ी स्पेस है यहाँ पर, बाकी दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल है, ऑटोमेटिक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ चारों ओर आपकी साटन सिल्वर फिनिश है, लेदर गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ी स्पेस यहाँ पर आप रख सकते हैं नॉर्मली, यहाँ पर जो चिटपिट रखे हैं। बाकी आपका यहाँ पर आमरस देखने को नहीं मिलता है गाड़ी में, आपका जो यहाँ पर दिया गया है मैनुअली हैंडब्रेक वो देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स की अगर हम लोग बात करें तो पूरी गाड़ी में चार स्पीकर के सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो चार स्पीकर यहाँ पर, एक दो और बाकी यहाँ पर ट्यूटर भी देखने को मिलते हैं, तो टोटल आपका 6 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। पीछे भी आपको स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड सनशेड में, तो यहाँ पर टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, लाइट आपको देखने को मिल जाती है हैलोजन वाली, डे एंड नाइट नॉर्मल मैनुअली IRVM है। बाकी यहाँ पर बात करें तो वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। अंदर की बात पूरी हो गई, जो फ्रंट ड्राइवर साइड वाली है क्या कुछ देखने को मिलता है सब मैंने आपको समझा दिया है, कुछ छूटा हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब चलते हैं पीछे साइड की, क्या कुछ में पीछे देखने को मिलता है। एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है, मतलब सबसे अलग जो बनाती है आपकी स्विफ्ट को, कि इसका डोर भाई यहाँ से खुलता है। कुछ लोगों को पता होगा, जो नहीं भाई स्विफ्ट में बैठे उनको शायद ना पता हो, लेकिन ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो स्विफ्ट को बनाती है। यहाँ पर वही पावर विंडो आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पर कोई भी आपको फिनिश देखने को नहीं मिलती है, जो आपकी सॉफ्ट टच की, फुल प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया। बॉटल होल्डर नीचे देखने को मिलता है, स्पीकर वो देखने को मिलता है। बैठ करके देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपका लेग स्पेस है। लेग स्पेस की अगर बात करें भाई, सीट थोड़ी पीछे करके रखी थी, तो वाली सीट में अभी आपको बैठा बैठ कर दिखाता हूँ क्या कुछ में स्पेस देखने को मिलता है। हम लोग उधर से इधर आ चुके हैं। अब बात करें इसको, तो भाई किसी ने छेड़ा नहीं है अभी, तो नॉर्मली इतनी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है भाई। लेग रूम स्विफ्ट में कोई कमी नहीं, आराम से बैठ सकते हैं। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, चारों तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हैंडल बार्स वगैरह। व्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छा ठीक ठाक नॉर्मल सा है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको कुछ प्रकार से देखने को मिल जाता है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डैशबोर्ड वगैरह। और पीछे एक कमी है कि यार यहाँ पर टॉप वेरिएंट में भी आपको रियर में जो एसी वेंट होते हैं वो नहीं देखने को मिल जाते हैं, वो सब नहीं इसमें दिए गए हैं, एक चीज़ मुझे कमी लगी। और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता आर्मरेस्ट, बाकी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी आर्मरेस्ट देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता इसके ZXi प्लस वेरिएंट, मतलब टॉप वेरिएंट होने के बाद भी आर्मरेस्ट और यहाँ पर आपका जो रियर एसी वेंट्स है उसकी यहाँ पर कमी है जो मैंने आपको बताया। बाकी पीछे से भी कुछ प्रकार का देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं भाई इसके बूट स्पेस के बारे में, हम लोग अभी बात करेंगे पीछे किस प्रकार का बूट स्पेस देखने को मिलता है, क्या बूट स्पेस बात कर लेते हैं बूट स्पेस वगैरह क्या कुछ देखने को मिल जाता है। ऊपर करेंगे उसको, यहाँ पर कुछ प्रकार से ओपन हो जाता है, तो भाई यहाँ पर बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है 268 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। CNG की बात करें, अगर CNG वाले पे अभी हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर यार बूट स्पेस ख़त्म ही हो जाता है।
ओपन करेंगे यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि आपका वही R15 साइज का है, उसको बिल्कुल कटआउट नहीं किया गया यहाँ पर, ये अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पूरा अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। बूट लैम्प की बात किए तो वो भी आपको यहाँ पर ZXi वेरिएंट में अवेलेबल है। पास अल्ट्रे वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा आपको पीछे सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है। अब भाई सब हो गई बातें गाड़ी में क्या कुछ देखने को मिलता है, प्राइस वगैरह की मैंने बता दी, क्या कुछ देखने को मिलता है, 8 लाख किस तरह शोरूम प्राइस रखा गया है आपकी यहाँ पर कम्प्लीटली जो गाड़ी है। और बात करें कम्प्लीटली चल के इसके इंजन वगैरह की, जो सेफ्टी वगैरह इसमें आती है, तो भाई इंजन आपको देखने को मिल जाता है वही 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि पावर आपको 88 bhp की और साथ ही साथ 113 nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। माइलेज की बात करें तो भाई कंपनी क्लेम करती है अपना 20 का माइलेज गाड़ी के ऊपर कम्प्लीटली। और बात करें भाई सेफ्टी वगैरह, तो आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, ABS UVD, और ये अच्छी बात के साथ साथ इसमें ब्रेक के साथ ESP भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी की काफ़ी अच्छी सेफ्टी को करता है। बट बाकी बिल्ड क्वालिटी सभी जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मारुति की। तो ये कंप्लीट वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो।